मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। दर्शकों से यही गुजारिश है कि प्लीज फिल्म का मजा थिएटर में ही है और थिएटर में ही जाकर फिल्म को देखिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अभी देखा जाए तो भोजपुरी को लोग देख रहे हैं सिनेमा, उसके बाद भी भोजपुरी सिनेमा का मार्केट जो दिन ब दिन गिरा है, उसका रीजन क्या रहा आपकी नजर में? मार्केट देखिए, कुछ ऐसी फिल्में भी बननी शुरू हो गई थी जो हमारी ही गलती है, जो हम लोग अगर सही ढंग से अच्छी कंटेंट वाली फिल्म बनाएंगे तो फिल्में जरूर चलेगी। दर्शकों की कोई गलती नहीं है, दर्शक जरूर आएंगे, अच्छी फिल्में जब बनेंगी तो दर्शक जरूर थिएटर में आएंगे, तो हमारा विश्वास है। दर्शक हमारे कहते हैं भोजपुरी सिनेमा असली होते हैं, लेकिन असली फिल्में वो ना देखे, लेकिन जो अच्छी फिल्म बनती है वो भी तो दर्शक नहीं देखती है। तो संजय जी, हमने जिला चंपारण बनाई थी, एयू मिला था सर्टिफिकेट, कोई असली नहीं थी। राया जानी पूरी फैमिली फिल्म थी, एयू सर्टिफिकेट थी, कोई अश्लीलता नहीं थी। और कुलीन नंबर वन तो यू सर्टिफिकेट मिला है इसको, इसमें अश्लीलता की कौन सी जगह है बताइए, कहाँ यू सर्टिफिकेट मिलना है एक फिल्म को? तो ऐसी बात नहीं है, बनती है। देखिए हिंदी में भी अश्लील फिल्म बनती है जो हम लोग अपने परिवार के साथ नहीं देख पाते हैं बैठकर, तो मैं भी अश्लीलता के विरुद्ध हूँ अश्लील फिल्म में। लेकिन जो है जो नंबर से फिल्में जो हमारी जो बनती है भोजपुरी में, कुछ ऐसे फुहर फिल्में बनती हैं, तो इसके लिए ऑडियंस हमारे दूर भाग रहे हैं, ऐसे इस फिल्म हमारी भोजपुरी फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अच्छी फिल्में बनती है। मैं दर्शकों से यही गुजारिश करूंगा कि जो अच्छी फिल्में हैं, जिस तरह आप अश्लीलता का विरोध करते हैं, तो अच्छी फिल्मों का जब आती है, अच्छी फिल्म हम लोग बनाते हैं, कोई भी मेकर सम बनाए और कोई मेकर, तो उसको भी उसको भी प्रोत्साहन कीजिए। 5 जून को फिल्म कहाँ गया? 5 जून को फिल्म हमारी बिहार झारखंड मुंबई गुजरात नेपाल दिल्ली यूपी और कोलकाता। कितने स्क्रीन में रिलीज की जाएगी? कितने स्क्रीन? देखिए बिहार तो मिनिमम 50-60 हॉल्स बिहार झारखंड में होनी चाहिए, क्योंकि उज्जवल जी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्राकृतिक फिल्म्स के बैनर से ही रिलीज होगी, लेकिन वो उनका ऑफिस से रिलीज हो रही है। निशांत जी हमारे निशांत उज्जवल जी रिलीज कर रहे हैं फिल्म को, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सुरेंद्र प्रसाद जी, जो बहुत कॉपरेटिव प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, हमारी तीसरी फिल्म है उनके साथ, चौथी हम लोग राजा की आगे बरात बनाने जा रहे हैं, और पूरे इंटायर टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, काजल लगवानी जी, पूजा गांगुली, अनु परोड़ा जी, देव सिंह, संजय पांडे जी, सिपी भट्ट, महेश आचार्य, बीना पांडे, बलराम पांडे, जितने भी हमारे कलाकार हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे इंटायर यूनिट, हमारे कैमरामैन सरवन नटराजन, हमारे असिस्टेंट अजय मिथुन, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कॉपरेट करने के लिए, और संजय भूषण पटियाला जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जो इतना सहयोग कर रहे हैं इस फिल्म को कुली नंबर वन। खेसारी लाल यादव को आपने वो कौन सा लड्डू खिलाया कि एक के बाद एक फिल्म में करते रहना, 3 फिल्म बना चुके हैं, चौथा का घोषणा कर दिया आपने? नहीं, इस कंपनी का लड्डू था? लड्डू नहीं, खेसारी जी बहुत मंजे हुए कलाकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं भी कंटेंट बेसिस फिल्म बनाना पसंद करता हूँ, और वो भी चाहते हैं मुद्दे पे फिल्म बने, तो इस तरह से हमारी कोइंसिडेंस मिल जाती है, तो हम लोग फिल्म कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड्डू क्या खिलाना, वो तो सुपर स्टार है, उनको मैं क्या देखिए काजल रघवानी और खेसारी जी का केमिस्ट्री तो मैंने हर फिल्म में बहुत अच्छी रहती है, इस फिल्म में भी है, दोनों अलग अलग, लेकिन जो फिल्में आप देखते हैं जो लव ए वो ए नहीं है, कंटेंट वाइज फिल्में मैं कुछ बताऊंगा नहीं क्या है नहीं है, सब बता दूं यहाँ पे तो संजय जी। अच्छा चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, काजल लगवानी की पूरा दुनिया दीवाना, आप कितना दीवाना है जरा दर्शक बताएं? नहीं, एज एन एक्ट्रेस तो अच्छी एक्ट्रेस है, दीवाना क्या है, दुनिया दीवाना है, अच्छे काम करती हैं। आप लाइक करते हैं काजल लगवानी को? मैं सब एक्टर एक्ट्रेस को लाइक करता हूँ, जितने मेरे आर्टिस्ट हैं, जितने काजल लगवानी को छोड़ के? नहीं, काजल ऐसा थोड़ी होता है, काजल जी का कैसा नहीं, तो आप एक बार बताइए, हमने पूछा आप क्या लाइक करते हैं काजल लगवानी को, हाँ या नाम जवाब दीजिए। ना, जरूर पसंद करते, अच्छी एक्ट्रेस है, पसंद क्यों नहीं करेंगे, इतनी उनकी व्यूअरशिप है। अच्छा
तो अच्छी अच्छी कलाकार है। और भोजपुरी में कौन सी जगह आपको पसंद है? सभी जितने भी कलाकार के नाम बताएंगे सभी है। राजल जी हो गई, अमरपाली जी हो गई, अक्षरा जी हैं, रानी जी, बहुत सभी जितने भी हैं सभी अच्छे हैं। मौका नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, साथ में जरूर करेंगे इन लोगों के साथ। कोई थोड़ी स्पेसिफिक है जो इनके साथ नहीं करना, सभी अच्छे। खेसारी के बाद और किस हीरो के साथ आप काम करना सबसे पहले पसंद करेंगे? देखिए अभी तो अभी खेसारी जी के साथ ही कर रहा हूँ, तो हमारी केमिस्ट्री बन रही है अच्छी। तो अभी खेसारी जी पहला पेपर खेसारी जी को ही मैं करता हूँ, खेसारी जी के साथ अभी। तो दूसरा तीसरा चौथा पे किसी का नंबर आएगा? हमारे लोग, हम लोग का नंबर आएगा? नहीं नहीं सर, जरूर आएगा। उस तरह से कुछ स्क्रिप्ट हो मिलेगी, जिस तरह से अगर होगा तो जरूर करेंगे। पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, चिंटू जी, कई ऐसे सुपरस्टार हैं जो फिल्मों में अभी लगातार चल रहे हैं, इन लोगों का फिल्में आपके कब लेके आएंगे? जरूर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और पवन जी, दिनेश जी, चिंटू जी लोग और भी हैं, रितेश पांडे अभी क्या, और जितने भी आर्टिस्ट है जरूर करेंगे। जैसे कुली नंबर वन के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे देखने के लिए? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भोजपुरी श्रोतागण, जितने भी दर्शक हमारे ऑडियंस है, तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है, जो कंटेंट वाइज बहुत फिल्म अच्छी है, और सारे कलाकार जितने भी कलाकार हैं बहुत अच्छा काम किया है फिल्म में, गाने बहुत अच्छे हैं। जैसे श्याम देहाती, श्याम और राजा जिन्हें म्यूजिक दिया है इस फिल्म में, तो मैं दर्शकों को यही करूँगा कुछ नयापन मिलेगा आपको फिल्म में। तो भोजपुरी से जो आप लोगों का जो गिला सिकवा है, तो शायद कुछ दूर करने की हम कोशिश किए हैं इस फिल्म में, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए कुली नंबर वन। 5 जून को आ रही है ईद के मौके पर, तो अपना आशीर्वाद प्यार पूरे हमारे इंटायर टीम प्राकृतिक फिल्म को कुली नंबर वन को दीजिए, यही आग्रह है आपसे। Thank you, sir. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.